मेरा यो भी सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के लिए आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी अवसर मिला है। हमारी सरकार ने 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा एमना जन्मदिवस ने जनजातीय गौरव दिवस तरीके आखो देश मनावे ये हमें निर्णय करो। हमारी सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम इन सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। साथियों, आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक और बड़ा संयोग हुआ है। पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस समावेशी लोकतंत्र का सपना आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले हमारे पूर्वजों ने देखा था वो आज साकार हो रहा है। साथियों, आज मैं साबरकांठा इस पवित्र धरती से गुजरात के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से भी आग्रह करता हूं, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है।